गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वेरी डेंजरस एग्जांपल्स। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x। जैसे इसमें डिस्कस किया था अपन ने, ये आ गया एग्जाम में, तो अब क्या करोगे? सही है, बिल्कुल सही है। पहला और आखिरी इनको पास में लाओगे, सबसे छोटा एंगल सबसे बड़ा एंगल इनको पास में लाने का, और उसमें से भी बड़ा एंगल पहले लिखने का। तो आपकी पहली स्टेप आएगी साइन 6x पहले प्लस साइन 2x उसके पास, साइन 4x से अलग, यानी सबसे छोटा एंगल सबसे बड़ा एंगल इनको पास में लाओ, और लिखते हुए बड़ा एंगल पहले लिखो, तो साइन ऑफ 6x प्लस साइन 2x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू सी। अब ये है 6x यानी c पकड़ो, 2x यानी d पकड़ो, क्या यूज करेंगे? साइन c प्लस साइन d। चंडीगढ़ डे वन, बॉक्सिंग डे, पहले कौन आया? सलमान खान। बाद में कौन आया? चरवाज खान। सलमान यानी साइन, चरवाज यानी कॉस। यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। नए लोग जो मेरे क्लास के नहीं है उनको बता दू, सलमान यानी साइन होता है, और चरवाज, अरबाज का और एक भाई चरबाज, चरबाज यानी कॉस होता है अपनी भाषा में। पहले सलमान आया, बाद में चरबाज आया। पहली ब्रैकेट c प्लस डी बाय टू, दूसरी ब्रैकेट c माइनस डी बाय टू। वेरी गुड कौस्तु। तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू टू साइन c प्लस डी बाय टू इंटू कॉस c माइनस डी बाय टू। सो दिस इज टू टाइम्स साइन ऑफ c यानी 6x प्लस 2x अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 2x अपॉन टू प्लस साइन 4x इज इक्वल टू जीरो। अब ये 6x प्लस 2x यानी 8x, 8x अपॉन टू यानी 4x, 2 साइन 4x प्लस कॉस ऑफ 6x माइनस 2x यानी 4x, 4x अपॉन टू यानी 2x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू जीरो। कितनी टर्म है मेरे पास? दो। दोनों में कॉमन कौन निकलता है? साइन 4x कॉमन निकलता है। साइन 4x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 2 cos 2x, यहां कुछ नहीं बचेगा यानी 1 बचेगा। तो साइन 4x इन ब्रैकेट 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1। Therefore, cos 2x is equal to minus 1 by 2. अब how to use minus 1 by 2 देखते हैं। इधर तो कोई चिंता नहीं, sin 4x is equal to 0 चलता रहेगा। minus 1 by 2 में थोड़ी देर के लिए minus भूल जाओ, किस acute angle की cos value 1 by 2 आती है? Correct, cos of pi by 3. तो इसको लिखो minus cos pi by 3. How to write minus 1 by 2? माइनस कॉस पाई बाय थ्री, बिकॉज कॉस ऑफ पाई बाय थ्री इज वन बाय टू, तो ये माइनस साइन और ये डिच क्या किया, वन बाय टू बचा, कॉस ऑफ पाई बाय थ्री वन बाय टू, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय थ्री लिख दिया अपन ने। ये स्टेप हो गई। अब अलाइड एंगल से माइनस कॉस थीटा कब आता है? देखो, एक आता है कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, दोनों में लेकिन छोटा कौन है? पाई माइनस थीटा छोटा है। तो अपन ने यूज किया इसको, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। व्हाई? बिकॉज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3? माइनस कॉस पाई बाय 3। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ माइनस कॉस पाई बाय 3 आई कैन राइट कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। ये स्टेप थोड़ी डेंजरस है, इसको दो तीन बार देखेंगे अपन। माइनस 1 बाय 2 को लिखा माइनस कॉस पाई बाय 3, माइनस कॉस पाई बाय 3 को लिखा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा? की माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड लिखी, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। अब ये हो गया आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और cos 2x is equal to cos of 2 pi by 3। LCM लो, 3 pi minus pi upon 3, कितना बचा? cos of 2 pi by 3। अब इसके बाद कभी भी फॉर्मूला लिखना अपन,
तो नए किताब के जैसे जाएंगे अपन, फॉर्मूले उन्होंने कैसे लिखे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वी ऑल नो थ्योरम वन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाय थ्री। गौतम वेरी गुड, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, इसमें अल्फा कौन है, ये थीटा कौन है, टू एक्स। सो अब आंसर क्या आएगा देखो, देयर फोर फोर एक्स इज इक्वल टू एन पाई, इसका आंसर आ गया, साइन फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स फोर एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, और इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा यानी कौन, टू एक्स, वेरी गुड, टू एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कौन, टू पाई बाय थ्री। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, सो एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाय फोर, एन बिलोंग्स टू जेड, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ किससे डिवाइड करेंगे अपन, टू से, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टू टैन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या क्या आइडियाज अपने जनरेट होती है मन में, टैन को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, अगर ये वन नहीं होता तो ये करेक्ट होता था, लेकिन ये वन है तो अपन क्या करेंगे, कॉट को लिखेंगे वन अपॉन टैन, क्या लिखेंगे कॉट को, वन अपॉन टैन, तो आंसर आएगा टू टैन एक्स माइनस वन अपॉन टैन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, क्या चेंज किया आपने, ओनली एक ही चेंज, कॉट एक्स की जगह क्या लिखा, वन अपॉन टैन एक्स, याद रहेगा हर एक को, इसके बाद सिंबल है, बट ये स्ट्राइक होना चाहिए कि साइन अपॉन कॉस लिखूं कि कॉट को वन अपॉन टैन लिखूं, ये जिसको जम गया प्रॉब्लम सिंपल। अब कॉट एक्स को लिखा अपने वन अपॉन टैन एक्स, अब एलसीएम लेंगे तो ये स्टेप आएगी टू टैन स्क्वायर एक्स माइनस वन रहेगा प्लस ये टैन एक्स होगा और टैन एक्स उधर जाके जीरो हो जाएगा, ये टैन एक्स यहां मल्टीप्लाई किया क्या आया, टू टैन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये टैन एक्स उधर जाके जीरो हो गया। अब इसको लिखा टू टैन स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर्स गिराने की कोशिश करेंगे अपन, इसको लिखता हूं टू टैन स्क्वायर एक्स प्लस टू टैन एक्स माइनस टैन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। हाउ कैन आर टैन एक्स, टू टैन एक्स माइनस वन टैन एक्स, टू टैन एक्स माइनस टैन एक्स इज टैन एक्स, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, टू टैन एक्स, टू टैन एक्स कॉमन निकाला तो यहां बचा टैन एक्स प्लस वन, माइनस वन कॉमन निकाला तो यहां बचा टैन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। दोनों में कॉमन कौन है अभी, टैन एक्स प्लस वन, दोनों में कॉमन कौन है, टैन एक्स प्लस वन, तो टैन एक्स प्लस वन कॉमन निकाला अपन ने एक ब्रैकेट में, क्या बचा पहली स्टेप में, क्या बचा, वेरी गुड, टू टैन एक्स। सेकेंड स्टेप में क्या बचा, माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज जीरो, दैट मीन्स आइदर द फर्स्ट टर्म इज जीरो और द सेकंड टर्म इज जीरो और बोथ आर जीरो, सो देयरफॉर टैन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और टू टैन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। विल यू एग्री, देयरफॉर टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और टू टैन एक्स इज इक्वल टू वन, करेक्ट, देयरफॉर टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और टू, सॉरी टैन एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। फुल्ली एग्री, एंड नाउ कम्स द मास्टर स्ट्रोक ऑफ दिस थ्योरम ऑफ दिस एग्जाम्पल, टैन एक्स इज इक्वल टू वन अगर आता तो टैन पाई बाय फोर वन है, दो तीन बार रिपीट करो, टैन पाई बाय फोर वन, टैन पाई बाय फोर वन, टैन पाई बाय फोर वन, टैन पाई बाय फोर वन,
tan ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस 1, tan ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस 1, तो आई राइट tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। अब वीडियो देखने वाले सभी लोग दिमाग लगाओ, इसका क्या करूं, tan x इज इक्वल टू 1 बाय 2 क्या करूं, अगर वो रूट 3 होता तो लिखता tan पाई बाय 3, 1 बाय रूट 3 लिखता होता तो लिखता tan पाई बाय 6, बट ये तो 1 बाय 2 है, पता नहीं है। और यहां आपका मास्टर स्ट्रोक आता है, तो आई राइट tan x इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, कुछ भी गलत नहीं है, tan और tan इनवर्स कैंसिल के बचेगा कौन, 1 बाय 2, फुल्ली एग्रीड। अब ये है एक्स एन ए थीटा और ये है अल्फा, यहां एक्स एन ए थीटा बट यहां अल्फा कौन है, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, वेरी गुड बेटा, ये हो गया अल्फा। अब अपने को लिखना है हर एक को फॉर्मूला, ये मास्टर स्ट्रोक क्लियर हो गया हर एक को, हाउ टू राइट 1 बाय 2 tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, हाउ टू राइट 1 बाय 2 tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। उसके बाद आता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, ये फॉर्मूला आ गया तो आगे बहुत सिंपल है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर ये होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3π/4 एन बिलोंग्स टू जेड। और पहले क्या क्लियर हो गया, थीटा एन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3π/4, और यहां कौन आएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा कौन है, टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 एन बिलोंग्स टू जेड इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, एक मिनट आप इसको देख लो, ये स्टेप्स कैसे लिखे हैं उसको एक बार कंफर्म करो देख के। क्लियर हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। 1 बाय 2 को क्या लिखा आपने, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, tan और tan इनवर्स कैंसिल के बचेगा कौन, 1 बाय 2। माइनस 1 को क्या लिखा, tan ऑफ 3π/4, tan π/4 1, tan 3π/4 माइनस 1, tan π/4 1, tan 3π/4 माइनस 1, द रेस्ट इज वेरी सिंपल, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बाकी कुछ भी टेंशन नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x प्लस tan x इज इक्वल टू 2 cosec x। फिर आपके मन में आएगा सर cot x को लिखूंगा मैं 1/tan, बिल्कुल सही होता आपका, अगर यहां पे cosec x नहीं होता सिर्फ 2 होता तो इसको लिखता था 1/tan, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाते tan में और उसको सॉल्व करते थे अपन, बट यहां cosec x है तो cosec x क्या होता है, 1/sin x, तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा cos x/sin x, इसको लिखना पड़ेगा sin x/cos x, तो देयरफॉर cot x प्लस tan x इज इक्वल टू 2 cosec x gives cos x/sin x प्लस sin x/cos x इज इक्वल टू 2 × 1/sin x। फुल्ली एग्री, cot a ने cos x/sin x, tan a ने sin x/cos x, cosec x ने 1/sin x। अब इसके बाद क्या करना है, LCM लेने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, LCM लेना यानी इस केस में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होता है cos² x प्लस sin² x डिवाइडेड बाय sin x/cos x इज इक्वल टू 2/cos x, cos² x प्लस sin² x डिवाइडेड बाय sin x/cos x इज इक्वल टू 2/sin x।
नाउ ये साइन एक्स और ये साइन एक्स आपस में कैंसिल हो गया, बचा कौन, वन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टू. व्हाट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स? वन. वी ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. तो ये हो गया वन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टू, एंड देयरफॉर इनवर्टेंडो यूज किया तो कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू. फुल्ली अग्री. अब इधर कॉस एक्स है तो इधर भी आपको कॉस चाहिए, तो आप देखो किस मिनिमम मोस्ट एंगल की कॉस वैल्यू 1 बाय 2 आती है. आई रिपीट, किस मिनिमम मोस्ट एंगल की कॉस वैल्यू 1 बाय 2 आती है, तो वो है पाई बाय 3. देयरफॉर आई राइट कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 3. परफेक्ट, वेरी सिस्टमैटिक. कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 3. अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. वेरी गुड. द फॉर्मूला लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड. थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड. अब इस केस में थीटा कौन है? एक्स. अल्फा कौन है? पाई बाय थ्री. तो अब किताब की लैंग्वेज पूरी लिखता हूं. देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई. इज इट नॉट? टू एन पाई हो गया. प्लस माइनस अल्फा कौन रहेगा? पाई बाय थ्री कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड. ये हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. एक्स इज इक्वल टू संगा टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री. टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट न्यू टॉपिक नाउ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. बट बिफोर गोइंग टू दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इन द स्पेस. पोलर कोऑर्डिनेट्स टू स्टार्ट, लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. लेट ओ एक्स बी अ फिक्स्ड रे. ओ एक्स बी अ फिक्स्ड रे इन द प्लेन. ओ इज कॉल्ड द पोल एंड रे ओ एक्स इज कॉल्ड द पोलर एक्सिस. ओ इज कॉल्ड द पोल. रे ओ एक्स इज कॉल्ड एज द पोलर एक्सिस. Let P be a point in the plane other than O. Other than O, take a point P in the plane. Let length OP is equal to small r. I repeat, बहुत important. Let length OP is equal to small r and let measure angle XOP is equal to theta. Measure angle XOP is equal to theta. Then the ordered pair r comma theta determines the position of a plane point P in the plane. Uniquely. I repeat, the ordered pair r comma theta determines the position of the point P in the plane. They are called the polar coordinates of point P. कौन से polar coordinates है? R O theta. R क्या है? Length OP. Theta क्या है? Measure angle XOP. Small r is called the radius vector and theta is called the vectorial angle of point P. I repeat. R is called the radius vector. Radius of the circle होती है वो. And theta is called the vectorial angle of the point P. Remark: the vectorial angle theta is the smallest non-negative angle made by ray OP with the ray OX. Made by ray OP with the ray OX. So smallest है तो theta has to be just like principal solution. 0 less than or equal to theta less than 2 pi. यहाँ equal to है, यहाँ equal to नहीं है. तो vectorial angle theta कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 pi तक. Pole has no polar coordinates. ये तो origin है, बाद में पता चलेगा. तो इसके कोई polar coordinates नहीं होते हैं. Pole O has no polar coordinates. Now we find relationship between Cartesian and the polar coordinates. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? हरदम x कॉमा y. पोलर कोऑर्डिनेट्स को मैं r कॉमा थीटा. वी टेक लाइन
along OX as the x-axis. We take line along OX as the x-axis. And a line perpendicular to OX, line perpendicular to OX, but passing through O as the y-axis. Passing through O as the y-axis, so ye hoga x-axis, ye hoga y-axis. Let P be any point in the plane other than origin. Let x comma y and r comma theta be the Cartesian and polar coordinates of the point P respectively. I repeat, let P x comma y and P r comma theta be the ये कौन हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा कौन हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी नाउ वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव साइन थीटा इसमें देखो अगर ये पी एक्स कॉमा वाई है तो ये डिस्टेंस एक्स होता है और ये डिस्टेंस वाई होता है वी ऑल नो आई रिपीट पी एक्स कॉमा वाई है ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y. फिर से एक बार पी एक्स कॉमा वाई तो ये x, ये y. पी एक्स कॉमा वाई ये x और ये y. x है x कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट है तो लाइन पैरेलल टू y y एक्सिस ये y हो गया ये x ये y. OP R रहता है मेजर एंगल XOP थीटा रहता है अपने को यहां से पता चल ही गया हुआ है ना साइन थीटा कर लूंगा साइन थीटा यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर एंड कॉस थीटा क्या आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन आर सो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा दीज आर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर coordinates x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta